तो कैसे हो भाई साहब? मैंने आज आप सभी लोग देख रहे हैं डेगी भाई साहब। देखो भाई साहब, अगर आपने लोन लिया है किसी ऐप के थ्रू से, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने लोन लिया है और वहां पर आप पैसे नहीं चुका पा रहे हो, तो हमारे साथ यहां पर क्या हो सकता है, आपके साथ यहां पर क्या हो सकता है, आपको किन किन प्रॉब्लम से सामना करना पड़ सकता है और लोन ना चुकाने के वजह से फ्यूचर में आपको और कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, इसका पूरा पूरी लेखा जोखा हम आपको बताने वाले हैं। और मैं किसी के एक्सपीरियंस को यूज़ करके यहाँ पर बता रहा हूँ, जिनके साथ हुआ है, मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो लोन लेने से पहले, ऐप से लोन लेने से पहले ये वीडियो पूरा पूरी आप देख लो, तभी लोन लेना भाई साहब। तो ऐसे में आप वीडियो को आखिर तक देखते रहो। चैनल पर अगर नए हो, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है, तो ऐसे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप तक ऐसे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली पहुँचता रहे। सो गाइज, आज के ज़माने में लोन मिलना बहुत आसान हो चुका है, और जब से ये NBFC जो एप्लीकेशन के थ्रू से लोन दिया जाता है उनसे लोन मिलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद से तो हर तीसरा इंसान यहाँ पर लोन ले रहा है। जब भी थोड़ी भी कुछ भी ज़रूरत होती है वो फटाक से लोन ले लेते हैं और उसके बदले बहुत सारा इंटरेस्ट वो पे करते हैं, और उस वजह से बहुत से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब बहुत से लोग अपने टेलीविज़न खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं, बहुत से लोग न जाने क्या क्या चीज़ खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं, और वो पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए लोन ना लेकर वो यहाँ पर पर्सनल लोन ले लेते हैं, जिसके बदले उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पर बेस्ट पर्सनल लोन ऐप्स के बारे में वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। प्लस मैंने और एक वीडियो बनाया था जहाँ पर आपको पे लेटर एप्लीकेशन के बारे में बताया था कि आप क्रेडिट कार्ड के जैसे किसी एप्लीकेशन के दिए हुए क्रेडिट को इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट, तो उस वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वो भी आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। देखो भैया, आपने एक लोन ले लिया है जिसका रीपेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो। अब मानो लोन अमाउंट आपने जो लिया है वो अगर छोटा है या फिर बहुत बड़ा है, कुछ भी लोन अमाउंट है, तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा। अगर आप किसी से लिए हुए पैसा उधार नहीं चुका पाते हो तो वो आपका कुछ ना कुछ तो हानि करेगा ही, कुछ ना कुछ तो आपको वो प्रॉब्लम पहुंचाएगा ही, अदरवाइज आप हर किसी से ऐसा ही करोगे। तो ऐसा आप ना कर सको उसका पूरा व्यवस्था वो लोग कर देता है। कैसे करता है? देखो, आपने किसी से लोन लिया, अब सबसे बड़ा बात होता है क्या पुलिस आपके घर पे आएगी? तो पुलिस को घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखो, ये नॉन बैंकिंग वाले क्या करते हैं, आपको इस कदर परेशान कर देंगे कि आपको अपना अमाउंट चुकाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं के नहीं रहोगे। अब मैं सारी बात आपको क्लियरली बताता हूँ। एक बंदा है जिसने यहाँ पर लोन लिया हुआ था, अब अमाउंट कितना है ये मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसके साथ जो जो प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ मैं आपको वो क्लियरली बता देता हूँ। उसने लोन लिया था किसी ऐसे एप्लीकेशन से जो कि यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू से लोन देता है, जो कि आधार और पैन के थ्रू से लोन देता है। अब उसने एक अमाउंट का लोन वहां पर ले लिया था जो कि नियर अबाउट 10,000 से 15,000 के बीच था। अब क्या हुआ, उसने लोन का पेमेंट नहीं किया, तो उसके बाद उसके पास कॉल्स आने स्टार्ट हो गए, बोला गया कि आपके घर पे नोटिस आएगा, आपके घर पे पुलिस जाएगा। तो वैसा कुछ भी यहां पर नहीं हुआ, लेकिन लोन ना चुकाने के वजह से वो आज कहीं का नहीं रहा है। यानी कि अगर आप ऐप के थ्रू से लोन लेते हो और उसे टाइम पर नहीं चुकाते हो, तो एप्लीकेशन ऑनर जो लोन आपको दे रहे हैं वो लोग क्या करते हैं भाई साहब, वो लोग तो सबसे पहले आपको कॉल करेंगे, कुछ टाइम तक देखेंगे, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉल करने लगेंगे, उसके बाद अगर आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो वो क्या करेंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, मतलब आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को वो कॉल करेंगे और सभी लोगों को वो गाली गलौज करेंगे। इवन आपको तो गाली गलौज करेंगे ही, सभी लोगों को गाली वगैरह देकर आपके बारे में बुरा भरा कहेंगे, ताकि आप परेशान होकर लोन को चुका दो। मतलब देखो, एप्लीकेशन वाले इस कदर यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये है उनका तरीका रिकवरी का, चाहे आपने कितना भी पैसा लिया हुआ है, मैक्सिमम केस में यही होता है। उसके बाद आपके घर पर नोटिस आ सकता है और नॉर्मली पुलिस वगैरह नहीं आती है, तो क्या बच जाओगे? नहीं। अब देखो, अगर आपने लोन नहीं चुकाया है, ये सब प्रॉब्लम मानो हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम को आपने हैंडल किसी तरह से कर लिया, चलो लोगों को कॉल वगैरह जा रहा है, तो वो भी आप दुनिया से यहाँ पर आउट ऑफ नेटवर्क हो गए, किसी से कॉन्टेक्ट आप नहीं कर रहे हो। लेकिन भाई साहब,
अगर आप लोन नहीं चुकाते हो तो इन फ्यूचर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो लोग इस कदर उसे खराब कर देंगे कि दूसरा जो भी लोन देने वाला आपका यहाँ पर पैन कार्ड के थ्रू से आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, वो आपको दूर से ही भगा देगा। जी हाँ दोस्तों, यही है पूरा पूरी सच्चाई। वो लोग देखो रिकवरी करने के लिए बहुत सारे तरीके आजमाते हैं, नॉर्मली कॉल्स वगैरह करते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उनको यहाँ पर कॉल करके आपके बारे में भला बुरा कहते हैं। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में कैसे मिलता है नंबर, जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो कॉन्टैक्ट को वहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं और उसका परमिशन आप खुद उन्हें देते हो, तो इस प्रकार से सारे कॉन्टैक्ट उनके पास पहुँच जाते हैं। सो गाइस, कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोन ले रहे हो तो आप उसे चुका दो, अदरवाइज ज़िंदगी में कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पर लोन नहीं ले सकोगे, आपको लोन कोई भी नहीं देगा। इस वजह से अगर लोन लिया तो उसे टाइम पर चुका देना, अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर फेस करना पड़ सकता है। सो गाइज, ये था पूरा पूरी लेखा जोखा कि आप अगर लोन लेते हो चाहे एप्लीकेशन से चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से तो आपको वहाँ पर चुका देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सो गाइज, ये था क्या कमाल का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करके ही जाना। सो गाइज, मिलता हूँ आपको फ्रेश नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।